नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सत्येंद्र गुरु जी पे। दोस्तों आज हम आप लोग के लिए मैथ के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, जैसे कि प्रश्न हम लोग के सामने दिख रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पर √72 − √72 − √72 − √72 − यानी कि डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक जाए, तो इसमें बताना है इसका आंसर क्या होगा। और भी प्रश्न है, 15 और 85 के बीच कितनी प्रकृत संख्या है जो 7 से विभाजित होती है, ठीक है। और मेरे बाबू ये जो भी प्रश्न है ये हमारा मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है, इसीलिए आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट प्रीवियस पेपर का है जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। और मेरे दोस्त आपको बता दूं, ये पार्ट नंबर हमारा 17 है, जिसने पार्ट नंबर 16 तक नहीं देखा है तो कृपया इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर जरूर देख लीजिए, क्योंकि ये सारे प्रश्न मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे प्रश्न को। तो चलिए, जो मेरा ये पहला प्रश्न है ये क्या कहता है बाबू, ध्यान देवेंगे हो। कहता है यदि a/3 = b/4 = c/7 तो 7a − 4b + 3c/p का मान, यानी कि इसमें p का मान क्या होगा। मेरे बाबू इसका मतलब होता है, एक चीज़ यहाँ पर आपको पहले बता देते हैं, अगर a/3 होता आप बराबर में अगर b/4 होता, केवल 2 होता, तो इसको हम कैंची गुना कर सकते थे, तो यहाँ पर हो जाता 4a बराबर में हो जाता 3b के, ठीक है। और a/b यहाँ पर हो जाए कितना, तो 3/4, यानी a के जगह पर 3 है, अब b के जगह पर कितना है बाबू, तो 4 है, a के जगह पर 3 है, b के जगह पर 4 है, ऐसा हम कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर जो है हमारा 3 दिया है। क्या दिया है, तो ए आप बाटा में दिया है 3, आ बराबर में दिया है बी, आई बाटा में दे दिया है 4, आई बराबर में सी या बाटा में दे दिया है 7, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू जानते हैं क्या होगा बाबू, यहाँ पर ए का वैल्यू 3 होगा, बी का वैल्यू 4 होगा और सी का वैल्यू 7 होगा, क्योंकि ए आ बाटा में 3 आ बराबर में बी या बाटा में 4 था, तो अभी हमने निकाला था ए का 3 और बी का 4, उस हिसाब से ए का 3 और बी का 4 और सी का 7 हमें मिल गया। चलिए अब इस समीकरण में इसको हम पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला गया। यहाँ पर जो समीकरण है वो क्या है, 7a + 7 × a के जगह पे बाबू, यानी p के वैल्यू इन तीनों में से किसी के भी तुम बराबर रख सकते हो। जैसे मान लो अगर हम यहीं पे लेते हैं a/3, इसके बराबर में रख देते हैं हम 7a − 4, यहाँ पर 7a − 4b + 3c/ क्या है, तो p है, बस इसी में मान पुट करेंगे आंसर हमारा निकल जाएगा। कैसे, एक यहाँ पर एक के जगह पर, यहाँ पर एक का 3 है, तो एक के जगह पर 3/3 हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 7a के जगह पर क्या है बाबू, तो एक के जगह पर 3 है, −4b के जगह पर क्या है, तो b के जगह पर 4 है, ठीक है, बीच में +3 और सी के जगह पर क्या है बाबू, तो सी के जगह पर 7 है, तो यहाँ पर आ जाएगा 7, और इसके बाटा में क्या है, तो पी है। अब इसी को हम सॉल्व करेंगे, यहाँ 3 से 3 कट के 1 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 7 × 3 = 21, यानी कि 1 = ई हो जाएगा 7 × 3 = 21, आई हो जाएगा 4 × 4 = 16, आई हो जाएगा 7 × 3, ये भी 7 × 3 = 21 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सी के जगह पर यहाँ हमारा एक के जगह पर बाबू 3 रखे, तो ये भी 21 हो गया, ये भी 21 हो गया, बाटा में पी देवे किया है। अब हम यहाँ से एक के नीचे कुछ नहीं तो एक है, इसको हम कैंचिया गुना करेंगे, इसको हम कैंचिया गुना कर लेंगे, तो कैंचिया गुना कर से पी बराबर कितना हो जाएगा जानते हैं बाबू, 21 और 21 प्लस का है, तो ये दोनों आपस में जुटेगा, तो 21 और 21 ये हो जाएगा 42, अब 42 में से 16 को हम घटाएंगे, तो 42 में से जैसे हम 16 को घटाएंगे मेरे बाबू जानते हैं कितना बचेगा हो, तो 26 बचेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि 26 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था मेरे बाबू, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रश्न को आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हम 2 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान देवेंगे। जो 2 नंबर प्रश्न है वो कहता है क्या
कि 15 और 85 के बीच कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 7 से विभाजित होती है। ये बताइए, क्या 15 7 से विभाजित नहीं होता है? उसके बाद 16 भी नहीं होता है, 17 भी नहीं होता है, 18 भी नहीं होता है, 19 भी नहीं होता है, 20 भी नहीं होता है, लेकिन मेरे बाबू जो 21वां नंबर होता है, जो 21, वो 7 से विभाजित होता है। 21 के बाद अगला नंबर क्या 7 से विभाजित होगा? तो यानी कि 28। अगला जो नंबर होगा वो 35 होगा। और इसी प्रकार डॉट 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 करते करते यहाँ क्या 85 7 से विभाजित होगा? नहीं होगा, लेकिन इससे एक कम यानी कि 84 जो होगा वो बाबू 7 से विभाजित होगा। हमारा ये बन गया ए सीरीज कि 15 के बाद जो हमारा 7 से विभाजित होने वाला नंबर है वह है कितना, तो 21 है। आप 85 7 से विभाजित नहीं होता है, लेकिन 85 के बाद पहले यानी कि 84 7 से विभाजित होता है, ठीक है। यानी कि 21 से लेकर 84 तक कितना हमें नंबर है जो 7 से विभाजित हो गए हमें बताना है बाबू। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे, यहाँ पर हम एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। एपी मतलब ए बराबर फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म कितना दिया है तो मेरे बाबू 21 दिया है। और उसके बाद हम यहाँ पर an बराबर लास्ट पद यानी कि अंतिम पद, अंतिम पद कितने इसमें, तो अंतिम पद जो है वो है 84। चलिए अच्छी बात है। उसके बाद बाबू यहाँ पर कॉमन डिफरेंस भी हम निकाल लेंगे। कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर जिसे बोला जाता है, कैसे निकालते हैं, हम आगे वाले में से पहले को घटा कर यानी कि 28 में से, इस 28 में से हम 21 को घटा देंगे, 28 में से हम 21 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 7 बचेगा। अब इसको हम फॉर्मूला में पुट कर देंगे, हमारा इसमें कितना नंबर है जो 7 से विभाजित होगा, आसानी से निकल जाएगा। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ए एन के जगह पर कितना है बाबू, तो 84 है। ए ए के जगह पर कितना है, तो 21 है ना। उसके बाद एन एन के जगह पर तो नहीं दिया है, तो एन ही तो निकालना, एन माइनस वन। डी के जगह पर कितना दिया है, तो बाबू 7 दिया है, ठीक है। चलिए आगे अब हम बढ़ते हैं, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 84, ठीक है। जो 21 इधर प्लस में है, यहाँ पर जो 21 प्लस में है इधर आएगा तो माइनस का 21 हो जाएगा, आप बराबर में इधर बच जाएगा एन माइनस वन, एन माइनस वन, एन माइनस वन इंटू में क्या है, तो 7 है, ठीक है ना। अब देखेंगे बाबू यहाँ पर जब जब हम 84 में से 21 को घटाएंगे तो बाबू यहाँ बचेगा 63, ठीक है। और जो 7 उधर गुना में है इधर आएगा तो भाग कर देगा, इधर बच जाएगा एन माइनस वन बच जाएगा, बिल्कुल। अब हम इसी को काटेंगे, यहाँ पर 7 से इस 63 को काटेंगे तो 9 7 63, 9 बार में जाएगा, एन माइनस वन इधर है, जो एक उधर माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 9 और एक कितना हो जाएगा, तो 10। यानी कि एन बराबर कितना आ गया बाबू, तो 10। यानी कि कहने का मतलब 15 और 85 के बीच में 10 ऐसी प्राकृत संख्या है जो 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसको हम कैसे करेंगे बाबू, सबसे पहले देखेंगे क्या 15 7 से विभाजित है, जी बिल्कुल नहीं। 16 है, बिल्कुल नहीं। 17 है, नहीं है। 18 है, नहीं। 19 है, नहीं। 20 है, नहीं। लेकिन 21 है जो 7 से विभाजित होता है, ठीक है। तो 21 पहला नंबर हो जाएगा, अगला 28, अगला 35, यानी कि 7 के मल्टीपल में जितना होगा वो 7 से विभाजित होगा। क्या 85 है, नहीं। 85 से पहले मेरे बाबू 84 7 से विभाजित होती है, ठीक है। तो 84 लिखेंगे। अब 21 से लेकर 84 तक ऐसी कितनी संख्या है जो मेरे बाबू 7 से विभाजित है, तो इसके लिए हम एपी का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि a बराबर 21, a बराबर फर्स्ट पद, यानी कि फर्स्ट पद क्या है, तो 21, an an बराबर अंतिम पद, अंतिम पद यानी कि कितना, तो 84, d कॉमन डिफरेंस यानी कि सार्व अंतर, 28 माइनस 21 7 आ गया। अब हम an बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी फॉर्मूला पर इसको हम पुट करेंगे, हमारा आंसर निकल के चला आएगा। आप ऐसे भी इसको भेराकट मेथड भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, जैसे पहला जो हमारा है वो 21 है, अगला जो क्या है वो 28 है, इससे अगला क्या है तो 35 है, इससे आप ऐसे भी काउंट कर ले सकते हैं निकाल कर, 35, अगला है 42, इससे अगला क्या है तो 49 है, इससे अगला क्या है बाबू तो 56 है, इससे अगला क्या है तो 63 है, इससे अगला जो है उस 70 है, इससे अगला 77 है, 77 के बाद क्या है बाबू, 77 के बाद है वो हमारा 84 है। क्या यही ना हमें निकालना है, वो 85 और 15 के बीच में। अब इसको तुम काउंट कर लो, आप सिंपल तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, 21 अगला जो होगा वो 28, अगला 35, अगला 42, इसी तरह करते करते 84 तक चले जाएंगे। इसको काउंट करके तुम देख लो, 10 ही होगा। देखो 1 2 3
यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 आ गया कि नहीं? हमने तो फार्मूला से भी निकाला था। तो हम फार्मूला से आपको इसलिए बताए हैं क्योंकि बाबू जब ज़्यादा नंबर यानी कि इनके बीच में ढेर सारा गैप होगा ना तो हम आसानी से निकाल लेंगे, इसीलिए हम फार्मूला से बताए हैं। ठीक है, ये तो आसान था तो आप ऐसे भी काउंट कर सकते थे। चलिए तो बढ़ते हम 3 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान देंगे। वो कहता है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें संख्या 27, 42, 63, 84 से भाग देने पर हर दशा में 21 जो है शेष देता है। मेरे बाबू क्या करेंगे इसका, हम निकाल लेंगे सबसे पहले एलसीएम और उस एलसीएम जो शेष बच रहा है इसको जोड़ देंगे, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे बाबू, इसका एलसीएम लेंगे, यानी कि 27 है, उसके बाद में क्या है तो 42 है, 27, 42 उसके बाद में 63 है, उसके बाद में 84 है, इनका हम ले लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम लेंगे तो पहले हम 2 से कटाएंगे तो 27 ही रहेगा, 21 दूनी 42 हो जाएगा, यानी कि 21 दूनी कितना तो बाबू 21 दूनी 42। चलिए 63 तो 2 से नहीं कटेगा, 84 कटेगा यानी कि 42 दूनी 84। चलिए आगे हम अब कटाते हैं बाबू, आगे फिर से एक बार और तुम इसको अब 2 से तो नहीं, अब इसको 3 से कटा लो। इसको अब 3 से कटाओगे तो 9 तिरकी 27, 7 तिरकी 21, 21 तिया 63 यही हो जाएगा 14 तिया 42। फिर से एक बार और 3 से कटाओ, 3 से कटाएंगे तो 3 तिरकी 9, ये 7 बचेगा, ये भी 7 बचेगा, ये बचेगा हमारा कितना तो 14 बचेगा। अब मेरे बाबू हम 7 से कटाएंगे हो, ये 3 ही रहेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, इसी को गुना करेंगे हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब हम जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 आ गुना में कितना 2 गुना 3 आ फिर से गुना 3 आ गुना कितना तो 7 आ गुना 3 आ गुना 2, इसको हम गुना करेंगे मेरे बाबू तो गुना करेंगे कितना होगा 3 दूनी 2 तिया 6, 6 तिरकी 18, 18 सत 126 हो जाएगा, 18 सत्य कितना तो 126, 126 गुना 3 दूनी 6 और 126 गुना 6 हम करेंगे बाबू तो ये जानते हैं कितना हो जाएगा हो 756 हो जाएगा। इसको जब हम गुना करेंगे तो 756 हो जाएगा, लेकिन 21 शेष बचाना है तो इसमें हम 21 को जोड़ देंगे, बस कुछ नहीं 21 को जोड़ेंगे तो 6 1 7 5 2 7 7 7, यानी कि 777 इसका आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था बाबू, इसका एलसीएम निकालो उसमें 21 जोड़ दो यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, कुछ नहीं था। चलिए तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 4 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखेंगे। कहता है एक संख्या के वर्ग में से 78² घटाने पर उत्तर इतना आता है तो यह संख्या ज्ञात कीजिए। मेरे बाबू थोड़ा सा लॉजिकल ये प्रश्न है, कुछ नहीं मान लेंगे एक संख्या है वो पी है, इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर में से हम 78 को घटा रहे हैं, 78 को घटा रहे हैं यानी 78 का वर्ग घटाने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है 6460। ठीक है, ये 6460 प्राप्त हो गया, यानी कि वो नंबर पी स्क्वायर था, पी स्क्वायर में से 78 का स्क्वायर यानी वर्ग हमने घटाया तो जो नंबर हमसे मिला वो कितना मिला मेरे बाबू, तो हमारा नंबर मिला 6460। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे बाबू तो यहाँ पर पी स्क्वायर तो ऐसे ही। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो 6460 है, जो 6460 है इसमें जुट जाएगा 78 का वर्ग, यानी कि 78 का वर्ग जुट जाएगा। चलिए अच्छी बात है, अब 78 का वर्ग जुटेगा तो यही हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर, ऐसे ही ठीक है, और ये 6460 ये भी ऐसे ही ठीक है 6460। 78 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 78 का जो वर्ग होता है बाबू वो होता है हमारा 60 84। ठीक है, आप इसको निकाल कर चेक कर सकते हैं, तो 60 84। अब देखेंगे बाबू ये पी स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 64 60 में और 60 और 84 को हम जोड़ेंगे तो बाबू हो जाएगा 12544, यानी कि 12544 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे बाबू यहाँ पर पी स्क्वायर बराबर 12544 है तो पी बराबर रूट के अंदर हो जाएगा 12
544। ठीक है, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो इसका स्क्वायर जो रूट आप जब बाहर निकालिएगा तो जानते हैं कितना होगा बाबू, इसका आंसर 112 होगा। आप स्क्वायर निकालने वाले ट्रिक से इसको निकाल सकते हैं या सिंपल मेथड से भी आप निकाल सकते हैं। ये जब 544 का जब स्क्वायर रूट तुम निकालोगे तो मेरे बाबू 112 आएगा, और 112 हमारा ऑप्शन नंबर 3 में दी गई है। यहाँ पर हम लॉजिक तो समझा दिए लेकिन कैलकुलेशन तो आपको खुद करना है बाबू, क्योंकि एक संख्या का वर्ग वो संख्या पी है, पी के वर्ग में से 78 का वर्ग घटाने पर 6460 आता है। बस पी स्क्वायर बराबर 6460, जो 78 स्क्वायर इधर माइनस के है उधर जाएगा तो प्लस बनेगा 6460। 78 का वर्ग मेरे बाबू 6084 होता है, इसको जोड़ दिया तो 12544 आ गया, पी बराबर रूट अंडर 12544। और इसका हम अब स्क्वायर रूट निकालेंगे मेरे बाबू तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। चलिए तो बढ़ते हम अगले प्रश्न यानी कि 5 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यानी कि VVI प्रश्न है बाबू, इसको आप टिक कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। कहता है √72 - √72 - √72 - √72 यानी कि --√... करके ये जा रहा है। जब ऐसा प्रश्न आएगा जो इन्फिनिटी तक जाए यानी कि इन्फिनिटी तक जाए, तो आप इस नंबर को ऐसे दो भागों में तोड़े, ऐसे दो लगातार पदों में तोड़े कि गुना करने पर 72 आ जाए। तो मेरे बाबू 8 × 9 = 72। जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 72 है, लेकिन वो संख्या क्या लगातार होनी चाहिए। चलिए तो 8 × 9 = 72 हो जाएगा, लगातार हो गया। अब मेरे बाबू एक चीज़ और ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल है तो छोटा वाला आंसर होगा यानी कि 8 आंसर हो जाएगा, अगर यहाँ पर प्लस होता तो हमारा 9 आंसर यानी कि 12 वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर क्या हो जाएगा बाबू, तो 8 यानी ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। फिर से समझिए बाबू, फिर से एक बार और समझिए, जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, इस 72 को ऐसे दो भागों में तोड़े कि गुना करने पर 72 आ जाए, लेकिन वो नंबर लगातार होनी चाहिए। तो 8 × 9 = 9 तो 9 बिल्कुल। अब मेरे बाबू यहाँ ध्यान से देखेंगे, तोड़ने के बाद अगर यहाँ पर माइनस में है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा 8, अगर प्लस होता तो 9 होता, ठीक है, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो छोटा वाला आंसर यानी कि 8 होगा। ऐसे यानी फिर से समझिए, इस 72 को ऐसे दो लगातार पदों में तोड़े कि गुना करने पर 72 आ जाए, तो 8 × 9 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर माइनस का सिंबल लगा है तो छोटा वाला आंसर हो जाएगा, आप प्लस का लगा होता तो 12 वाला आंसर हो जाता, तो यहाँ पर छोटा वाला आंसर यानी कि 8 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस प्रश्न को भी आसानी से समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 6 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखेंगे हो, 6 नंबर प्रश्न कहता है 11 संख्याओं का औसत 30 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है, तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए बाबू क्या होगा, यानी कि 11 संख्या टोटल दी गई है लेकिन यहाँ पर 12 संख्या यहाँ पर दिया गया है, तो यानी कि वही छठी नंबर है जो दो बार काउंट हो रहा है वही पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे बाबू, ये 12 वाले संख्या में से इस 6 वाले संख्या का योगफल को हम घटा लेंगे, आंसर हमारा निकल आएगा। क्या करेंगे ध्यान देंगे, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है, तो संख्या गुना औसत यानी कि योगफल आ जाएगा, यानी कि 6 गुना कर देंगे 35, तो 6 संख्या का योगफल आ गया। उसके बाद अंतिम 6 संख्याओं का औसत 28 है, अंतिम 6 इसमें हम प्लस करेंगे, अंतिम 6 संख्या गुना औसत यानी कि 6 × 28, ये अंतिम पद, ये पहला पद यानी कि योगफल आ गया, यानी कि 12 पदों का योगफल ये पूरा हो गया। इसमें से हम घटा लेंगे मेरे बाबू 11 पदों का योगफल, 11 गुना कितना तो 30, क्योंकि 11 संख्या का औसत यहाँ पर बाबू 30 दिया है, पर प्रथम 6 संख्याओं का औसत 35 है और आखिरी 6 संख्याओं का औसत 28 है, ठीक है। तो मेरे बाबू अंतिम प्रथम 6 संख्याओं का औसत के योगफल हमने निकाल लिया, आखिरी 6 संख्याओं का योगफल निकाल लिया, यानी कि यहाँ पर टोटल 12 संख्या का योगफल मिल जाएगा। आप 12 संख्या के योगफल में से यहाँ पर हम 11 संख्या के योगफल को घटा लेंगे, हमारा छठी संख्या मिल जाएगा, तो इसको हम गुना भाग करेंगे। अब क्या होगा मेरे बाबू ध्यान से देखेंगे, 35 × 6 करेंगे तो 210 हो जाएगा, बीच में प्लस तो प्लस, 6 × 28 करेंगे बाबू तो 168 हो जाएगा, यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ पर माइनस में 11 त्या कितना 33 यानी कि 330 हो जाएगा, 210 और 168 को हम जोड़ेंगे तो 378 हो जाएगा, इसमें से हम 330 को घटा देंगे।
एक 378 में से 378 में से 330 को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा बाबू, तो 48 बचेगा। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो मेरे बाबू कितना, तो 48 हमारा ऑप्शन दो में दिया गया। ठीक है, कुछ नहीं था इस प्रश्न में, बिल्कुल आसान सा प्रश्न था मेरे बाबू। चलिए तो बढ़ते हम अगले प्रश्न यानी कि 7 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहते हैं बाबू, ध्यान से देखेंगे हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहता है यदि ए अनुपात बी बराबर 3:2:7:2 है, यानी कि ए अनुपात बी बराबर 3:2:7 कितना दिया है, तो 3 दिया है। चलिए अच्छी बात है। और नीचे क्या दिया है बाबू, तो नीचे दिया है बी आ अनुपात सी बराबर कितना, तो 1:5 आ ये भी अनुपात में दिया है कितना, 1:1। चलिए चलिए अच्छी बात है। अब मेरे बाबू यहाँ ध्यान से हम देखेंगे कि इसको अनुपात को सिंपल भाषा में हम चेंज करेंगे, यानी कि सिंपल नंबर में चेंज करने के लिए जानते हैं क्या करेंगे। यहाँ पर हर में क्या है, 2 है, यहाँ पे हर में क्या है, 3 है। तो इनका हम निकाल लेंगे एलसीएम, इनका एलसीएम निकाल के यानी कि 2 इस 2 का इस 3 का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के इन दोनों में गुना कर देंगे तो 2 और 3 का एलसीएम मेरे बाबू 6 होता है। ठीक है, तो 6 से गुना हम इसमें भी कर देंगे और 6 से गुना हम इसमें भी कर देंगे, तो ये सिंपल टूट जाएगा। तो ये 2 से 6 कटेगा 3 बार। यहाँ देखेंगे बाबू, ये 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 से 3 में गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू, तो ये 9 हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये 2 से 6 कटेगा 3 बार, 3 से 3 में गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9। चलिए अच्छी बात है, ये हो जाएगा कितना, तो 9। यहाँ पर इस 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में जाएगा और 2 × 7 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा। यहाँ देखेंगे अब यहाँ क्या है, तो 5 है, यहाँ क्या है, 7 है। तो इस 5 और 7 का हम लेंगे एलसीएम, इस 5 और 7 का एलसीएम लेंगे, 5 और 7 का एलसीएम मेरे बाबू 35 होता है। ठीक है, आप निकाल के भी देख सकते हैं। तो 35 से गुना कर देंगे हम इसमें भी, 35 से गुना इसमें भी आ गुना कर देंगे 35 से इसमें भी। चलिए अच्छी बात है, 35 से गुना करने के बाद बाबू क्या मिलेगा, 5 से 35 कटेगा 7 बार में और 7 से 35 कटेगा 5 बार में। अब कहने का मतलब ए अनुपात बी बराबर 9:14 और बी अनुपात सी बराबर 7:5 आ गया। अब यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, देखो कैसे, हम जैसे आपको सिखा रखे वैसे आप निकाल दीजिए। यहाँ पर अनुपात निकालना हमने एक वीडियो बना रखा है, जाकर उसको आप देख लीजिए। ए अनुपात बी बराबर कितना है बाबू, तो 9 आ अनुपात में कितना है, तो 9:14 है। चलिए अच्छी बात है। अब बी अनुपात सी कितना है बाबू, तो बी अनुपात सी जो है वो है 7:5 कितना, तो 5। यहाँ से हम ए अनुपात बी अनुपात सी ये निकाल सकते हैं बाबू, ध्यान से देखेंगे। ये निकालने के लिए देखो यहाँ पर बी कॉमन होना चाहिए, बी कॉमन है, यहाँ भी बी कॉमन है, तो यहाँ भी हम कॉमन कर देंगे। ठीक है, तो बी यहाँ पर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान से देखेंगे बी यहाँ तिरछा में कॉमन होना चाहिए। ए के निकालने के लिए हम सीधा गुना कर देंगे, यानी कि 9 सत्य कितना, तो 63। ठीक है, 9 सत्य कितना, तो बाबू 63 हो जाएगा। अब देखेंगे बी निकालने के लिए हम इसको तिरछा गुना करेंगे, यानी 14 सत्य कितना हो जाएगा बाबू, तो 98 हो जाएगा। ठीक है, और हम सी निकालने के लिए सीधा गुना कर देंगे, 14 पचे कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा, 14 पचे 70, यानी कि 63:98:70। अब हम इसको क्या करेंगे बाबू, इसको हम 7 से काट देंगे, तो 7 से काटेंगे तो 9 सत्य 63, ये हो जाएगा 14 सत्य 98, ये हो जाएगा 10, यानी कि 10 सत्य 70। तो 9 14 10 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, 9 14 10 हमारा ऑप्शन 2 में दिया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था इस प्रश्न में। पहले मेरे बाबू यहाँ पर हमको करना क्या है कि इस अनुपात जो दी गई है इसको सिंपल अनुपात में चेंज करेंगे, जो बाटा में दी गई है, और चेंज करने के बाद हम अब निकाल सकते हैं इसको अनुपात। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न यानी कि 8 नंबर प्रश्न की ओर। क्या कहता है बाबू, ध्यान से देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न कहता है किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि तथा हर में 12% की कमी की जाए तो वह 11/12 हो जाता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए बाबू। ठीक है, इसके लिए 4 ऑप्शन भी दी गए, तो क्या करेंगे। प्रश्न कहता है किसी भिन्न के अंश में 21% की वृद्धि कर दिया जाए, यानी कि भिन्न जो, जैसे मान लो ये 3/4 है, तो ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, और नीचे वाले को हर बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो चलिए
यहाँ पर ऐसा बोलते हैं तो बोल रहा है किसी भी भिन्न के, मान लो वो भिन्न क्या है तो मान लेते हैं हम ए या बाटा में क्या है भी, यानी कि ए बाटा बी भिन्न है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है कि अंश में 21% की वृद्धि, यानी कि इसका कर दे रहा है 21% का वृद्धि, यानी कि 100 में 21 जुड़ जाएगा, 121% इसको कर दिया। चलिए नीचे 12% की कमी कर दे रहा है हर में, तो इसका कर दे रहा है 12% का कमी का मतलब मेरे बाबू 88% कर दे रहा है। चलिए ऐसा करने से मेरे बाबू जो भिन्न है वो 11/12 हो जाते हैं। बस यहाँ तक जिस बच्चे को समझ में आ गया हो वो कुछ भी टेंशन ना ले, यानी कि ए बटा बी हमारा हर भिन्न था, यानी कि अंश में 21% की वृद्धि कर देने का मतलब 121% हो जाएगा, और हर में 12% की कमी करने का मतलब 88% हो गया। ऐसा करने से 11/12 हो जाता है। अब इसी को काट पीट कर लेंगे, आंसर निकल के चलाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, 11 से 21 जो है 11 बार में कटेगा, ठीक है। और देखेंगे 4 से 6 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 12, और 4 से 6 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 22, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 11/22, फिर से इसको काट सकते हैं, 11 + 11 = 22, यानी कि यहाँ पर क्या बचा तो ए गुना एक तो ये हो जाएगा, यहाँ पर बचा 2b, अब बराबर में हो गया मेरे बाबू 1/2 में कितना तो 3। बस इसी को कैंचिया गुना कर लो, तुम्हारा आंसर निकल के चला आएगा बाबू। तो कैंचिया गुना हम करेंगे तो जानते हैं क्या होगा, a से 3 में गुना करेंगे तो 3a = हो जाएगा 2b के, ठीक है। तो इधर a या बाटा इधर b हो जाएगा कितना, तो 2 / 3 जो इधर गुना में इधर चला जाएगा तो भागा में, यानी कि 2/3 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 2/3 हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगी इस प्रश्न का, ठीक है। इस प्रश्न में भी कुछ भी नहीं था बाबू। चलिए तो हम बढ़ते हैं अब 9 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहता है बाबू ध्यान से देखेंगे। वो कहता है रहमान एक काज को 15 दिन में करता है, रहमान को मान लेते हैं हम R से, रहमान एक काम को 15 दिन में करता है, चलिए 15 दिन में करता है। सलीम इसी कार्य को 25 दिन में करता है, सलीम को हम S से डिनोट करते हैं, ई बेचारा करता है 25 दिन में। चलिए आगे कहता है करीम उसे 30 दिन में कर देता है, जो करीम है इसको हम के से करते हैं, वो कर देता है कितना 30 दिन में। चलिए कहने का मतलब रहीम जो है किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सलीम 25 दिन में, और करीम 30 दिन में। इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं बाबू, सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे, तो 25 यहाँ देखेंगे सॉरी 15 और 25 और 30 का जब हम एलसीएम लेंगे मेरे बाबू तो जानते हैं कितना आएगा, इसका जो एलसीएम निकल के आएगा बाबू वो 150 आता है, ठीक है। यानी कि इसका एलसीएम 150 आएगा, ठीक है, तो 150 इसका एलसीएम हो जाएगा। अब देखेंगे इस 150 को 15 से भाग देंगे तो 10 होगा, इस 150 को 25 से भाग देंगे तो मेरे बाबू 6 होगा, ठीक है। यानी कि 150 को जब हम 25 से भागा देंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, 25 × 6 होता है 150, यानी कि 25 × 6 कितना तो 150, ये 6 होगा। आप 30 से भागा देंगे तो 30 × 5 = 150, यानी कि 5 होगा। अब हम देखेंगे बाबू यहाँ पर कि ए आर जो है रहीम जो है एक दिन में 10 यूनिट काम करता है, सलीम एक दिन में 6 यूनिट काम करता है, और करीम एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, दोनों और तीनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं तो 10 × 6 = 16 × 5 कितना हो जाएगा तो 21, यानी कि तीनों मिलकर ये बेचारा 21 यूनिट काम करते हैं एक दिन में, लेकिन 150 काम है, यानी 150 को हम 21 से भागा दे देंगे, यही आंसर हो जाएगा। अब हम इसको 3 से काटेंगे, 3 × 7 = 21, 3 से इसको काटेंगे तो 3 × 5 = 15, यानी 50/7 का मतलब हो गया बाबू 7 × 1/7, 7 × 1/7 हमारा आंसर 4 में दिया गया, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न 10 नंबर प्रश्न की ओर, क्या कहते हैं बाबू ध्यान से देखेंगे। कहता है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ने वाला एक धावक 8 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगा, बिल्कुल आसान सा प्रश्न है। जो यहाँ पर स्पीड दी गई है वो कितना है बाबू, तो स्पीड 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो डिस्टेंस है वो कितना है तो 8 किलोमीटर है, हमसे टाइम पूछ रहा है कितना लगेगा, तो टाइम बराबर हम सभी जानते हैं डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना है तो 8 है, डिस्टेंस कितना है बाबू, जो टाइम निकालने का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं कि टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 8 है, और स्पीड कितना है 15, 8/15 घंटा लगेगा, लेकिन मिनट में चेंज करने के लिए हम 60 से गुना कर देंगे। बस अब इसी को हम काट पीट करेंगे, 15 से इस 60 को काटेंगे 4 बार में, तो 8 से का कितना
32 मिनट इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा मेरे बाबू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 4 सही हो जाएगा। कुछ नहीं था यहाँ पर, स्पीड दी गई थी, डिस्टेंस दी गई थी, टाइम निकालना था, तो टाइम बराबर हम सभी जानते हैं डिस्टेंस अपन स्पीड होता है। डिस्टेंस कितना 8, स्पीड कितना 15, 8/15, अब मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना कर देंगे, 32 मिनट आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले, यानी कि प्रश्न ही खत्म हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे प्रश्न को अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।